तो दोस्तों आप लोग मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन यूज करते हो अपने वॉच टाइम को इंक्रीज करने के लिए, आप काफी ज्यादा मेहनत करते हो अपने वॉच टाइम को इंक्रीज करने के लिए, मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी आपकी यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन चलती है जिससे आपका वॉच टाइम इंक्रीज होता है। क्या दोस्तों वो आपका वॉच टाइम इंक्रीज हुआ वो कभी ड्रॉप हो जाता है, क्या वो वापस से डिक्रीज हो जाता है? 100% आप लोग बोलोगे हाँ मेरा वॉच टाइम वापस से डिक्रीज हो जाता है मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज करने के बाद। तो वो आखिर डिक्रीज क्यों होता है, उसकी क्या वजह है कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारे डिक्रीज हो जाता है, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आपका वॉच टाइम इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि आपको जो ये एप्लीकेशन और वेबसाइट है उसको सही तरीके से आपको यूज करना नहीं आता, आपको सही तरीके से इसको चलाना नहीं आता, जिस वजह से आपका वॉच टाइम वो डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे इसमें सीखने की क्या बात है, ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन है जिसको आपको यूज करना है। नहीं दोस्तों, हर एप्लीकेशन हर वेबसाइट के अंदर कुछ सेटिंग्स होती है जिनको आपको लगाना पड़ता है तभी जाकर आपके वॉच टाइम इंक्रीज होता है। तो क्या उनसे सेटिंग्स है वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन और वेबसाइट आप कैसे यूज कर सकते हो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, मेरी गारंटी आप अपना मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन चलाना सीख गए तो 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और शायद ज्यादा ही होगा, और आप अपना वॉच टाइम को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो को बिना स्किप करके देखना और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो के लाइक एम में आज हम रखते 50 लाइक्स, कम से कम इस वीडियो पर 50 लाइक्स आने चाहिए, और दोस्तों बेल आइकन आप लोग दबा के रखना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर, मोबाइल स्क्रीन की ओर। सिंपली आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है और आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है सिंपली तरीके से। और ज्वाइन करने के बाद में आपको बाहर आना है और यहाँ से इसको हटा देना है, हटाने के बाद में आपको क्या करना होगा प्ले स्टोर पर चले जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर सर्च करना है इंडियन वीपीएन, आप सर्च कर लेना, यहाँ पर लिखता हूँ इंडियन वीपीएन, ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं तो आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो, मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको जाना है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर आपको क्लिक करना है और जिससे भी आपको वॉच टाइम बढ़ाना है, जिस पर भी आपको वॉच टाइम बढ़ाना है वो आपको यूज़ करना है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम लाइक अपना जो है सब जो वीडियोस होता है वो 4 से 5 घंटे का वीडियो रखें ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4-5 घंटे का वीडियो होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। फिर आपको जो भी आप मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन यूज़ करना चाहे वो आप लोग कर सकते हो, बस जो मैंने वीपीएन बताया है ये इंडियन वीपीएन आपको इसको ऐसा दिखाई दे देगा, आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हो मल्टी ब्राउजर, लेकिन वीपीएन इंडिया का ही यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से प्रो वाला आ रहा है इसको हटा देंगे और आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको यूनाइटेड किंगडम का, तो आपको इंडिया की लोकेशन लेनी है। इससे पहले आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन को ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ करने के बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग अलग आपको स्टेट्स लेने हैं, मैं यहाँ पर इंडिया मुंबई ले लेता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट होने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, आप जो भी मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन यूज करना चाहो वो कर सकते हो, मैं अभी ये कर रहा हूँ। वीपीएन को ऑफ़ कर देना है, अपने अपने जो भी वॉच जो भी अपना है उसको ऑफ़ करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना लिंक पेस्ट करता हूँ तो हमारा जो वीडियो का वो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको दूसरे पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको हटाना है और जो अपना वीडियो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ से सबसे पहले हटाता हूँ, यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे हमारी मूवीज़ यहाँ पर जो भी हमारा है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ से फिर अपने जो है वीडियोज़ को अपलोड कर देंगे, वीडियोज़ को अपलोड यहाँ पर कर देंगे बहुत सारा, और फिर से 6, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके आपको सब जगह पर अपनी मूवी को अपलोड कर देना है। मूवी अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे की जो भी अपना चीज होगी वो यहाँ पर चीज़ चलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपको 5 घंटे तक ऑटोमेटिक मूवी चलती रहेगी, ऑटोमेटिक मूवी चलने के बाद में आपको क्या करना है, और जैसे कि आपको लगे कि 5 घंटे पूरे हो गए हमारी मूवी पूरी फुल वॉच हो चुकी है, फुल वॉच होने के बाद में आपको क्या करना है, फुल वॉच होने के बाद में इंडियन वीपीएन को डिसकनेक्ट कर देना है, फुल वॉच होने के बाद मूवी
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस से आपको वीपीएन माना है, और वीपीएन माने के बाद में आपको क्या करना है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। पूरी मूवी जो भी आपका वीडियो है वो कनेक्ट पूरा होने के बाद, ठीक है, मूवी खत्म होने के बाद आपका 4-5 घंटे का जो भी वीडियो बनाया वो एंड होने के बाद, आप जैसे अपने पहले लिया था मुंबई लिया था, तो आपको अभी मुंबई नहीं लेना है, आपको दूसरा ले लेना है। जैसे कि मैंने पहले मुंबई लिया था तो मैं अब दिल्ली ले लूँगा, और दिल्ली को कनेक्ट करने के बाद में आपको फिर से वीपीएन से अपने वीडियोस को चला देना है, जिससे अलग अलग लोकेशन से हमारा जो व्यूज़ आएगा और इससे यूट्यूब के सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि ये किसी एप्लीकेशन से व्यूज़ आ रहा है, वो सोचेगा कि अलग अलग लोकेशन से आ रहा है, जिससे हमारा व्यूज़ होगा वो डाउन नहीं किया जाएगा। तो ये तरीका अपना ही 100% आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा और आपके जो वो सब्सक्राइबर्स होगा वो बढ़ेंगे व्यूज़ देखकर। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना, इस तरीक को अप्लाई कीजिए, 100% फ़ायदा होगा।